मैं मनीष जी से आग्रह करता हूँ, वो भी मनीष वत्स जी कृपया मंच पर आए और अपने दो शब्द समाज रूबरू कार्यक्रम में आज हम राजधानी के राजपुर खुर्द में, जहाँ पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से भक्तगण यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ मौजूद है। आपका शुभ नाम? आचार्य रविंद्र प्रसाद त्रिपाठी, परशुराम सेवा न्यास के अध्यक्ष के रूप में इस समय संगठन को मजबूत करने में हम लोग लगे हुए हैं, और आपका जो होता भगवान विष्णु के छठे अवतार में परशुराम जी का भी नाम आता है, और सप्त चिरंजीव में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणा कृपा परशुराम से सप्त एते चिरजीविनः। हमारे सप्त चिरंजीव में जो होता है थोड़ा आवाज बंद करा दो, ये परशुराम जी का जो होता है छठे अवतार में परशुराम जी का नाम आता है। वेदानु धरते जगंत बहते भूलोक मुद्विप्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते छत्रक क्षयम कुर्वते पौलस्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातोन्नते मृक्षान मूर्छयते दशाकृत कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। दस अवतारों में जो होता है परशुराम जी का नाम आता है, और जितना हमारा ये संगठन ये परशुराम सेवा न्यास का जो संगठन है ये पूरा देश विदेश में सब जगह जो होता है इसी प्रकार से परशुराम जी का घर घर में जो होता है इनका प्रचार प्रसार होगा, घर में मूर्ति स्थापना होगी, और हमारा ब्राह्मण समाज जो होता है अधिक से अधिक संगठन हो, मजबूत हो, और इसी प्रकार से देश विदेश में सब इसी प्रकार से जो होता है परशुराम जी का लोग याद करते रहें, उनका नमन करते रहें, उनका इसी प्रकार से पूजा करते रहें, और हमारा समाज इसी प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा जो एक ही नारा है जितने संसार में प्राणी हैं सबका जो कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें, और किसी प्रकार से कोई किसी का निरोग ना हो, इसी प्रकार से हम ब्राह्मण समाज का जो होता है उद्घोष यही मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों का समाज कैसे इकट्ठा हो, कैसे संगठन मजबूत हो, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, और हर शनिवार मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं, और अधिक से अधिक लोगों का इसी प्रकार से आपस में जुड़ाव होता रहे और हमारा संगठन मजबूत होता रहे, और इसी प्रकार से हर साल ये परशुराम जो होता है का पूजन और हवनादि कर्म ये सब अपना हो रहा है, कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पाटी जी, हमारे साथ मौजूद है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, श्री परशुराम सेवा न्यास का मैं ट्रस्टी हूँ और अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के काम करता हूँ। समाज के लिए तो काम करना ही है, अगर ब्राह्मण समाज आगे होगा तो पूरा विश्व संसार आगे होगा। विश्व शांति का योगदान जो ब्राह्मण ने दिया वो सबसे ज़्यादा दिया, ब्राह्मण अगर पीछे हो गया तो ये समझो कि सारा समाज पीछे हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञान की परिभाषा तो करता है, सबको बताता है, ज्ञान का रास्ता सही दिखा जाए हमारे देश को, हमारा देश पक्का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। इसी साथ के साथ इसी कारण के साथ मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आपका शुभ नाम? सी पी शुक्ला, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आज ब्राह्मण समाज द्वारा मध्य प्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया बहुत अच्छा रहा, ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए, हम सब लोग मिलकर के इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को भी मजबूत करेंगे। ब्राह्मण जो है वह सभी समाज का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक होता है, निश्चित तौर पर नई जिम्मेदारियों के साथ लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सभी को एकजुट करना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। बहुत को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मेरा राजेश शर्मा नाम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन इतना शुभ माना जाता है कि किसी का मुहूर्त भी ना हो तो वो काम भी इस दिन करे जा सकते हैं। अक्षय तृतीया के नाम से इनको बोला जाता है, और अकेले भगवान परशुराम जी ने सहस्रबाहु जैसे अत्याचारी राजा का सर्वनाश करा और मार्गदर्शन करा समाज का। ब्राह्मणों ने कभी ये नहीं चाहा कि अपना ही मार्गदर्शन हो, सभी का उद्धार के लिए कोशिश करी है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब सुख शांति रहे, पृथ्वी आसमान सब पूरा वर्ल्ड पूरा वर्ष विश्व को हम वसुधो कुटुंब मानते हैं। यही हमारा संदेश है कि सब सुख शांति रहे और सद्भावना बना कर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। देश में भगवान परशुराम जी एक बहुत ही क्रोध
उनके अंदर था, बहुत ज़्यादा क्रोध था, लेकिन उसके बीच में वो एक बहुत बड़े पितृभक्त थे। उन्होंने वो इतने बड़े पितृभक्त थे कि उन्होंने अपने पिता के कहने से अपनी माता का भी वध कर दिया था, और 21 बार क्षत्रियों का विनाश करना भी, जो बिना वजह के किसी को बेकसूर को मारते थे जो क्षत्रिय है, उनको 21 बार उनका वध करना भी उनका एक पितृभक्ति का ही परिणाम था। और हम भगवान परशुराम जी को अपना आराध्य मानते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने पिता को, अपनी माता को अपना उतना ही प्यार करें जितना परशुराम भगवान अपने पिता के लिए समर्पित थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति के साथ शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है? जी, बल और बुद्धि दोनों ही होनी आवश्यक है, जो कि ब्राह्मणों में कूट कूट के भरी होती है, और इसी के साथ में हमें अपने क्रोध को भी वश में करने की भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परशुराम जी के जीवन से यह संदेश और प्रेरणा मिलती है समस्त ब्राह्मण समाज को कि भगवान परशुराम आज भी तपस्या कर रहे हैं और अजर अमर हैं। हम सभी ब्राह्मणों को तपस्या करनी चाहिए, और ब्राह्मण के पास तपस्या की ही शक्ति इतनी बड़ी होती है कि उसी से ब्राह्मण जो है पूरे विश्व में राज कर सकता है, और बंदनी भी है, और समाज को लेके चलने की जो शक्ति है समस्त समाज को, और मार्गदर्शन करने का जो प्रादुर्भाव या जो जिम्मेदारी है जो ब्राह्मण के पास है, वो तपस्या के बल पर है। और जब वह तपस्या करता है तो उससे अपना भी कल्याण करता है, समाज का भी करता है, देश का भी करता है, विश्व का भी करता है। इसलिए ब्राह्मण को अपनी तपस्या करते हुए और इस भगवान परशुराम जी को जन्मोत्सव मनाते हुए, ऐसे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, और हमेशा तपबल प्रपंच रचहि विधाता अतपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण जो है, जो भगवान है, वो तप के कारण भी, तपस्या के कारण संसार की सृष्टि करते हैं, और ब्राह्मण जो है अपनी तपस्या के कारण ही सबसे बलवान होता है। ब्राह्मण के पास कोई बल नहीं होता, लेकिन तप का जो बल होता है ना, उससे बड़ा कोई बल नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को अपनी तपस्या करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, गायत्री करनी चाहिए, कोई किसी भी फील्ड में हो, व्यापार में हो, राजनीति में हो, एनीवे उसको तपस्या करनी चाहिए। जब अपनी संध्या बंदन करेगा, अपनी तपस्या करेगा, अपने वेदों का पाठ करेगा, अध्ययन ध्यापन करेगा, तभी ब्राह्मण अपना भी कल्याण कर सकता है, अपने आत्मा का भी कल्याण कर सकता है, संसार का भी कल्याण कर सकता है, सबका कर सकता है। पहले जो है अपनी तपस्या करना बहुत ही आवश्यक है, और जिस दिन ब्राह्मण अपनी तपस्या करने लगा, उस दिन ब्राह्मण के चरणों में हर व्यक्ति झुकेगा, हर वर्ग झुकेगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है प्यासा वही आता है। बोले परशुराम भगवान की जय। ब्राह्मणों को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं, हर मंजर हर अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है परशुराम फिर से पैदा नहीं होते? परशुराम पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। पैदा तो होते हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। जब भी हालात बदतर होते हैं, आसताई ताकतें हावी होने की कोशिश करती हैं, तो परशुराम जी उन्हें जन्म लेते हैं, और आज की यह जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन अशोक के साथ। गलत फहमी है, अगर लोग बाग पंडित लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते? पंडितों को इतनी पावर है, अगर फेरे करा दिए तो चीफ जस्टिस भी नहीं काट सकता आप। और नहीं, मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, जगदम्बे ऋषि माँ रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु जैसे बलशाली राजा को धूल चटा दी थी। तो आप चिंता मत करो, पूरे समाज को सुधारने के लिए हम खुद सुधारें और एक दूसरे का साथ दें तो सब सही हो जाएगा। धन्यवाद का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इन्होंने चार चांद लगा दिया, और ऐसे ब्राह्मणों का यह श्री परशुराम सेवा न्यास समिति बहुत ही सम्मान करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राम बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हुए श्रीमान परमेश स्वरूप जी, जो आए हुए प्रोफेसर साहब है, उनसे निवेदन करूंगा आकर अभिनंदन है। वो ही राम
मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को हमारे भारद्वाज जी ने, हमारे मित्र जी ने, भूरे साहब ने इतना मान सम्मान दिया। मुझ जैसा व्यक्ति आपका रेडी हो गया और मैं प्रार्थना करूंगा कि अब जब भी परशुराम, भगवान परशुराम या किसी भी ब्राह्मण भाई पर भगवान ना करे विपदा आए, लेकिन जब आए तो मेरे हाथ को भी पूरी दिल्ली में एक घंटे में पहुंचने की क्षमता रखता हूं। और इसलिए कहना चाहता हूं कि रे रे ब्राह्मणों, अब भी सुधर जाओ, अब भी एक हो जाओ। और कसम खा के कहो कि सर को तो मेरे पहलू से इस कदर सर को कि कलम कह दो मेरे सर। अजी ब्राह्मण एक दूसरे से लगता है तो यह मन कलमकार को याद रखे कि सर को तुम मेरे पहलू से इस कदर सर को कि कलम कर दो मेरे सर को। मेरे ब्राह्मण भाई, उल्फत का मजा तब है जब न हम सर के न तुम सर को। जय जय चरण वंदना है। मैंने पहले ही बोला जय श्री राम और जय परशुराम। हम ब्राह्मण भाई कभी भी जात पात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं देश विदेश घूमता हूँ, इस बात को लिख लो 100% कि ब्राह्मणों की बात हर जगह मानी जाती है, हर जगह। और आने वाले वक्त में दो ही प्रकार के लोग रह जाएंगे, वो जो ब्राह्मणों की बात मानते हैं और या तो वो जो ब्राह्मणों की बात मानेंगे। इस बात को यकीन मानिए कि कहीं भी जाते हैं ब्राह्मणों पर कोई भी अफसर, पहले तो शादी ब्याह वगैरह की बात नहीं, जहां तक पूजन भी होता है तो भी ब्राह्मण से ही होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार से विधर्मी कुछ भी करे लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल सकती। ये सनातन भूमि है और यहाँ पर ब्राह्मणों का हमेशा आदर हुआ है और विद्या ही हमारी आराध्य है, तो जरूर होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा। धन्यवाद। और जो ब्राह्मण पहले थे आज हैं और कल रहेंगे, ब्राह्मण का कभी अंत न हुआ है न होगा। संपूर्ण ब्राह्मण समाज एक ऐसी समाज है जिस समाज को लेकर के सूर्य और चंद्र भी नतमस्तक रहते हैं। आज संपूर्ण ब्राह्मण को एकता के लिए हम सब एक मंच पर बहुत जल्द ही पूरे भारत के विश्व रूप में प्रकट करेंगे, यही मेरा मंतव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेवी रोहित भारद्वाज जी। रोहित भारद्वाज जी, आज हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान परशुराम जी के जन्म से, उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, परशुराम जी ब्राह्मण कुल के इष्ट देव हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है कि गलत बात पे साथ नहीं देना और सही बात पे पीछे नहीं हटना। ये जो प्रेरणा देते हैं परशुराम जी, डर के नहीं रहना, आगे बढ़ो, सामाजिक कार्य करो और समाज के उत्थान के लिए हर समय कार्य करते रहो। रेणुका पुत्र भगवान और आज परशुराम न्यास के द्वारा इतना सुंदर परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। सभी विप्र बंधु आए, भोजन प्रसाद चल रहा है, बहुत ही आत्मीयता का परिचय मिला, सब एक दूसरे मिले आज, और ऐसा ही चलता रहे। आगामी जो अगले साल हम परशुराम जन्मोत्सव मनाए तो इससे कम से कम 10 गुना बड़ा करके हम। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के जन्म सबके। Thank you.
सबसे बढ़िया तो एक हमारे को कि कम से ब्राह्मण समाज और बाकी समग्र समाज जो हमेशा से ब्राह्मणों को फॉलो करता रहा, ब्राह्मणों को मानता रहा कि ब्राह्मण एक नई दिशा देने में हमेशा तत्पर रहे, तो उनको जितना जन्मोत्सव को मनाया जाएगा लोगों में कहीं ना कहीं सद्भावना, सद्बुद्धि और समस्त विचार लोगों में आता जाएगा और हम लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे। जो आपसी मनद्वेष है ख़त्म होगा, यही है इसका आज के दिन का मुख्य मकसद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कि हमें एक तो शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए और साथ में शस्त्रों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, और हमें अपने अपने जो अधिकार है उसका पता होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, और जहां हमारे अधिकार नहीं मिले उनको अधिकारों को भी अधिकारों जीवन से सीख मिलती है, मित्रता, एकता, और सभी छोटे से बड़े तक पूजा पाठ में मतलब एकत्रित करना, सभी समाज को एकता करना, और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान ने हमको शस्त्र दिया कि इसका तुम उपयोग करो। अपना रास्ता लेके निकल जाएंगे, तो इसलिए ये संस्कार जो है ना ये ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है, और वो अब जागृत हो रहे हैं। अब ये जो हालात हो रहे हैं ना आजकल के यंग बच्चों के साथ में, और अभी इनको हम लोगों को तो मैं मतलब ये है कि इस देश को, भारत माता को बचाना, माता को, गौ माता को, इन सब का जो है ना बचाने के लिए ब्राह्मण ही आगे आके बचा सकता है, बाकी कोई भी नहीं बचाएगा। और जिसके लिए परमात्मा ने मोदी जी को एक ऐसे रूप में धरती के ऊपर भेजा है कि भाई अब वो ही कहते हैं ना धर्म धर्म की हानि, जब हानि होती है तो वो अवतार बन के भेजते हैं, खुद तो आएंगे नहीं पर किसी के रूप में तो भेजेंगे ना। कलयुग के हर एक प्राणी के भगवान परशुराम देवता हैं और सभी को मानना चाहिए, तो मैं पुनः एक बार परशुराम जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बोलता हूं भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। इसको ले जाना।